आज की कथा में मैं आपको कणप की भक्ति के बारे में बताऊंगी। भील कुमार कणप्पन वन में भटकते भटकते एक मंदिर के समीप पहुंचा। मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति देख उसने सोचा, भगवान इस वन में अकेले हैं, कहीं कोई पशु इन्हें कष्ट ना दे। शाम हो गई। कणप धनुष पर बाण चढ़ाकर मंदिर के द्वार पर पहरा देने लगा। सवेरा होने पर उसने भगवान की पूजा करने का विचार आया, किंतु वह पूजा करने का तरीका तो जानता ही नहीं था। वन में गया, पशु मारे और आग में उनका मांस भून लिया। मक्खियों का छाता तोड़कर शहद निकाला। एक दोनों में शहद और मांस लेकर कुछ पुष्प तोड़कर और नदी का जल मुंह में भरकर मंदिर पहुंचा। मूर्ति पर पड़े फूल पत्तों को उसने पैरों से हटाया, मुंह से मूर्ति पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया और मांस व शहद नैवेद्य के रूप में रख दिया। उस मंदिर में रोज सुबह एक ब्राह्मण पूजा करने आता था। मंदिर में नित्य ही मांस के टुकड़े देख ब्राह्मण दुखी होता। एक दिन वह छिपकर यह देखने के लिए बैठ गया कि यह कौन करता है और क्यों करता है। उसने देखा कणप्पा आया। उस समय मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बहता देख उसने पत्तों की अद्वैत पूर्ति के नेत्र पर लगाए, किंतु रक्त बंद नहीं हुआ। तब कणप ने अपने नेत्र तीर से निकालकर मूर्ति के नेत्र पर रखा, रक्त बंद हो गया। तभी दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगा। कणप ने दूसरा नेत्र भी अर्पित कर दिया। तभी शंकर जी प्रकट हुए और कणप के हृदय से लगाते हुए उसकी नेत्र ज्योति लौटा दी और ब्रह्मांड से कहा, मुझे पूजा पद्धति नहीं श्रद्धालु भाव ही प्रिय है, अथवा ईश्वर पुनः समर्पण के लिए तुतः ईश्वर पूर्ण समर्पण के साथ किए स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल आशीषों से भक्त को तार देते हैं। आज की कथा यही समाप्त होती है। अगली कथा बहुत ही जल्द आएगी। आज की कथा में आपने जाना कि कनक की भक्ति कैसी थी, उसकी सच्ची भक्ति से ही शिव जी प्रसन्न